Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Yes, sir. Audio, video, all clear? Screen clearly visible hai aapko? Very good. Chaliye, so let's begin discussion regarding the next language in this course. First language aapki complete ho gayi. Let's start off with the next language. That is C++. Ab isse pehle ki C++ ke bare mein baatcheet shuru ki jaye, sabse pehle main aapko yaad dila dun, C++ padhne ke liye aapko kya kya C language mein aana chahiye. Kyunki hum log C++ wahan se start kar rahe hain jahan C language finish hoti hai. Dhyan dijiyega. तो मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है एंड यू शुड बी क्लियर विद थ्री टॉपिक्स. तीन टॉपिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए. बहुत अच्छे से नहीं भी हो तो कम से कम वर्किंग नॉलेज तो चाहिए. ठीक है, तो यू शुड बी क्लियर विद दीज थ्री टॉपिक्स. कौन कौन से? मैं आपको सी पढ़ाते वक्त कई बार इन टॉपिक्स के नाम ले चुका हूं, आज क्लियरली बता देता हूं. नंबर वन, you should be very clear with the concept of functions. Agar koi topic bahut zyada use C++ mein ho raha hai C ka, to wo function chapter hai. Sabse zyada use ye hoga. Iske baad aapko zarurat padegi structure ke concepts ki, jo hamara last chapter tha C language mein. Ha, yes or no? Jaldi jaldi jawab dein. Yes or no? Tha. Very good. और लास्ट टॉपिक जिसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ेगी, लेकिन इसकी भी जरूरत पड़ेगी अभी नहीं, 10-15 लेक्चर बाद, और वो टॉपिक का नाम होगा पॉइंटर. ये तीन टॉपिक मैंने उसी ऑर्डर में लिखे हैं जिस ऑर्डर में हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है. सो बी वेरी वेरी क्लियर. आप इन टॉपिक्स को जरूर जरूर रिवाइज कर लें, है ना. अगर आपने पढ़ा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है. आप C++ पढ़ने के दौरान मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपने फंक्शन स्ट्रक्चर पॉइंटर पढ़ा ही ना हो. अगर ऐसा हो गया तो फिर दिक्कत है. इसलिए मेक श्योर ये टॉपिक आपके क्लियर हो, और अगर नहीं है तो याद से आप एडमिन से बात कर सकते हैं कि इनका कवर अप अरेंज हो पाएगा क्या, या किसी बैच में हो रहे हो तो आप उसमें इसको अटेंड कर लें. खैर, अभी तो आपको इनमें से किसी की जरूरत नहीं है. दो दिन तक तो मैं आपको C++ के कंपेरिजन, C++ की हिस्ट्री और C++ के बीच के डिफरेंसेस पे बात करूंगा. आराम से 2 दिन बाद हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी, और तब तक आप याद से इन टॉपिक्स को रिफ्रेश कर लें, रिवाइज कर लें. समझ आया प्री रिक्विजिट? कोई डाउट, कोई क्वेरी तो नहीं है इसको लेकर? अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, आप इसे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसी बैच से ज्वाइन करा है और सी वाले बैच में नहीं थे? अगर हैं तो आप न्यू लिखिए जरा चैट विंडो में, अपना आंसर न्यू लिखिए, जिन्होंने आज से ही ये बैच ज्वाइन करा है, C++ से ज्वाइन करा और जो सी में नहीं थे. ओके, सी इनकम्प्लीट है दीपक की. ओके दीपक, कहां तक पढ़ी है दीपक आपने सी? कहां तक सी पढ़ी हुई है दीपक? ओ, लूप तक पढ़ी है, तो फिर बाकी टॉपिक तो करने पड़ेंगे आपको फटाफट कवर. C++ में दिक्कत जाएगी नहीं तो. ठीक है, चलिए. और बाकी जितने लोग न्यू लिख रहे हैं, आप सबने सी पढ़ी हुई है? यस और नो? पढ़ी हुई है ना, चाहे कैसे भी पढ़ी हो आपने, कहीं से भी पढ़ी हो, सी की नॉलेज तो है ना आपको. C++ के लिए पीयूष मैंने बताया ये तीन टॉपिक की जरूरत अपन को पड़ेगी. ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा जरूरत फंक्शंस की पड़ेगी,
अगर पीयूष आप मुझसे बोलो ना सर आप एक टॉपिक बताइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीनों में, तो मैं कहूंगा फंक्शन है। अगर आप मुझे बोलो ना सर मेरे पास बस 2 घंटे हैं, आप बताइए मैं 2 घंटे में क्या रिवाइज कर लूं, तो मैं आपको बोलूंगा आप 2 घंटे में फंक्शन पढ़ लो। अगर आप फंक्शन पढ़ लेते हो तो बहुत स्मूथली आप सी लेवल प्लस में एंटर कर सकते हो। ये 2 टॉपिक फिर भी धीरे धीरे हो जाएंगे, बट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स मूव फर्दर और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सी डबल प्लस का। बिल्कुल वैसे ही डिस्कस करेंगे अपन जैसे अपन ने सी पढ़ी थी। तो मैंने आपको सी पढ़ाते वक्त 2 बातें बोली थी, आपको याद है? नहीं याद है? मैंने आपको कहा था जिंदगी में कभी भी आप प्रोग्रामिंग करें, पढ़ाने वाले से 2 सवालों के जवाब Day 1 पे जानने की कोशिश कीजिएगा। कौन से 2 सवाल? पहला सवाल, लैंग्वेज का नाम वही क्यों पड़ा जिस नाम से उस लैंग्वेज को बुलाया जाता है। आप मानते हैं हर लैंग्वेज के नाम के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, मानते हैं? राइट, हर लैंग्वेज को किसी ना किसी कारण से नाम मिलता है। बिना लॉजिक के, बिना रीजन के किसी लैंग्वेज का नाम नहीं होता। अब वो रीजन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आपने पाइथन पढ़ी हो तो आपने सुना होगा पाइथन के नाम का रीजन नॉन टेक्निकल है। पाइथन के नाम का रीजन एक कॉमेडी शो से इंस्पायर्ड था। लेकिन सी डबल प्लस का नाम बड़ा टेक्निकल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सी डबल प्लस की थोड़ी सी हिस्ट्री की, फिर बात करेंगे सी डबल प्लस का नाम, सी डबल प्लस कैसे पड़ा, सी डबल प्लस के मार्केट में कितने वेरिएशंस अवेलेबल हैं, और फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सी सी प्लस प्लस के बीच के कंपैरिजन का। स्टार्ट करें? स्टार्ट करूं मैं? ठीक है, तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी सी डबल प्लस की हिस्ट्री बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन आता है सी डबल प्लस किसने बनाई, सी डबल प्लस के डेवलपर का नाम क्या है, हु क्रिएटेड दिस वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड पावरफुल लैंग्वेज। तो इनके डेवलपर का नाम है मिस्टर ब्यान स्ट्रोस्ट्रप। इनके डेवलपर का नाम है मिस्टर ब्यान स्ट्रोस्ट्रप। ठीक है, क्या करते हैं ये, इन्होंने जब सी डबल प्लस डेवलप करी थी, कब डेवलप करी थी बताऊंगा मैं आपको, 70s में। तब ये सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। कौन सी कंपनी में काम करते थे? ये काम करते थे AT&T कंपनी में। अगर आप याद करें तो ये वही कंपनी है जहां मिस्टर डेनुसिची भी काम करते थे और जहां उन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप करा है। वहीं पे मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप भी थे, उन्होंने मिस्टर डेनुसिची को अपना गुरु माना हुआ था, उनके मेंटर थे मिस्टर डेनुसिची, और अपने गुरु से इंस्पायर होकर मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप ने सी डबल प्लस लैंग्वेज को क्रिएट करा था। और आज 2020 में ये कहां पर है? आज 2020 में ये अमेरिका में है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और आपके जैसे बच्चों के बीच में, आपके जैसे स्टूडेंट्स के बीच में रहकर ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी मैक्सिमम आईटी प्रोग्रामर्स अगर आप याद करें तो वो सिर्फ डेवलपर्स हैं। ये अकेले ऐसे प्रोग्रामर हैं जो डेवलपर भी हैं और टीचर भी हैं। यानी इन्होंने इंडस्ट्री को भी देखा है और इन्होंने स्टूडेंट्स के माइंडसेट को भी पढ़ा है। और 2013 में, कौन सा ईयर बोला मैंने, सुना आपने ध्यान से, 2013 में, 2013 में ये इंडिया आए थे। कहाँ आए थे? IIT बॉम्बे आए थे। वहां दो बच्चों ने, दो स्टूडेंट्स ने, आपके जैसे दो स्टूडेंट्स ने इनका इंटरव्यू लिया था। वो इंटरव्यू इनका यूट्यूब पे अवेलेबल है, कभी भी फुर्सत मिले उस इंटरव्यू को जरूर देखिएगा। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके जैसे यंगस्टर्स के लिए बोली है कि अगर कोई स्टूडेंट एक अच्छी कंपनी को टारगेट करता है तो उसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी वो टॉप लैंग्वेजेस हैं जो एज अ स्टूडेंट आपको अपने स्टूडेंट लाइफ में सीख लेनी चाहिए इससे पहले कि आप इंडस्ट्री में एंटर करें। और इन्होंने 5 लैंग्वेजेस को बेहद इंपॉर्टेंट माना है आज की तारीख में आईटी में सर्वाइव करने के लिए। मैं आपको आगे बताऊंगा वो लैंग्वेजेस कौन सी हैं। फिलहाल याद रखिए मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप एक एजुकेटर भी हैं और एक प्रोफेशनल भी थे। इन्होंने सी डबल प्लस जब डेवलप करी थी तब ये एक प्रोफेशनल थे, अभी आज की तारीख में ये एक प्रोफेसर हैं और अपने स्टूडेंट्स के बीच में रहकर सी डबल प्लस के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी का नाम क्या था जब मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप ने सी डबल प्लस डेवलप करी थी? तो ये जिस कंपनी में थे उस कंपनी का नाम वही है जिसने सी डेवलप करी है, एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज AT&T। अब आती है बड़ी इंटरेस्टिंग बात, सी डबल प्लस का डेवलपमेंट ईयर कौन सा है, ये मार्केट में कब लॉन्च हुई थी? तो आपको जानकर सरप्राइज होगा सी डबल प्लस का डेवलपमेंट ईयर आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग दिखेगा। कुछ किताबें कहती हैं 79 में डेवलप हुई है, कुछ कहती हैं 83 में हुई है। और मजेदार बात यह है ये दोनों ही आंसर सही है। मजेदार बात यह है ये दोनों ही आंसर सही है। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एक लैंग्वेज 2 बार कैसे लॉन्च हो सकती है।
ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इसके लिए 79 और 83 दोनों वैलिड ईयर्स हैं? उस बारे में भी अभी डिस्कशन अपन करने वाले हैं, बट अभी के लिए बस इतना याद रखें, द डेवलपमेंट ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज वॉज डन बाय मिस्टर बयान। नाम ध्यान से पढ़िएगा, बयान पढ़ते हैं इसको। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है बाजार ने पढ़ते रहते हैं इसको, ये गलती आप भी मत करिएगा। लेटर जे साइलेंट है और इसको पढ़ा जाता है बयान स्ट्रोस्ट्रप, ये इनके नाम का प्रोनाउंसिएशन है। AT&T कंपनी में रहते हुए इन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप करा था और लैंग्वेज को दो बार लॉन्च करा गया था, एक बार 79 में और एक बार 83 में। अब आते हैं पहले इंटरेस्टिंग सवाल पे। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है मोहित, ये ऊप्स कॉन्सेप्ट 83 में नहीं आए। आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शुरुआत कब हुई है? कैन एनीवन टेल मी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शुरुआत दुनिया में कब हुई है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शुरुआत 1965 में हुई है। दुनिया की पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का नाम क्या है? दुनिया की पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का नाम सिमुला रखा गया है, सिमुला 67। तो एग्जैक्टली बोलूं तो 1967 में ऊप्स की शुरुआत हुई थी। सिमुला 67 वो लैंग्वेज है जो दुनिया की फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है। तो 83 में तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स आए ये कहना बिल्कुल गलत होगा। 83 में कुछ और हुआ था, बताता हूं मैं आपको क्या हुआ था। पहले सी डबल प्लस का नाम, सी डबल प्लस कैसे पढ़ा, इस पॉइंट को अपन डिस्कस कर लें। ठीक, तो सुनिए गौर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जगह पूछा जाता है इंटरव्यूज में। एज अ फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ सी डबल प्लस गॉट इट्स नेम, सी डबल प्लस का नाम कैसे पढ़ा सी डबल प्लस, या वाई सी प्लस प्लस इज कॉल्ड एज सी प्लस प्लस, सी डबल प्लस को सी डबल प्लस ही क्यों बुलाते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक बार फिर बताइए, मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप ने सी डबल प्लस को कब बनाया था? जल्दी बताइए फटाफट, आपके सामने ईयर आ रहा है, 1979 में बनाया था। ये सी डबल प्लस की लॉन्चिंग का पहला साल था, और जब मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप ने सी डबल प्लस को बनाया था तब इन्होंने इसका नाम सी प्लस प्लस नहीं रखा था, तब इन्होंने इसका नाम रखा था सी विद क्लासेस। सी डबल प्लस का ओरिजिनल नाम सी विद क्लासेस रखा गया था, सी प्लस प्लस इसका ओरिजिनल नाम नहीं रखा गया था। ठीक है, लोगों ने मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप से पूछा कि आपने सी विद क्लासेस नाम क्यों दिया इस लैंग्वेज का, तो इनका यह मानना था कि ये जो लैंग्वेज बना रहे हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। आपने अगर थोड़ा बहुत भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में सुना हो तो आपने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वर्ड सुना होगा, सुना है? अगर हल्का सा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्ड आप जानते हो तो आपने ये दो टर्म सुने होंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं ऊप्स के, इतने इंपॉर्टेंट कि मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप ने इस चैप्टर का नाम ही अपनी लैंग्वेज के नाम के अंदर शामिल कर लिया। फिर लोगों ने पूछा आपने सी विद नाम क्यों दिया है, तो मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप ये चाहते थे कि जो भी सी डबल प्लस पढ़ने आए उसे सी डबल प्लस का नाम देखकर ये क्लियरली समझ में आए कि ये लैंग्वेज सी लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है, ये लैंग्वेज सी लैंग्वेज से कनेक्टेड है, ताकि किसी को भी इस लैंग्वेज को पढ़ते वक्त ये ना भूले वो कि वो सी लैंग्वेज की चीजें भी सी डबल प्लस में पाएगा। यानी जो डेटा टाइप आप सी में जानते हैं, जो एरे फंक्शन पॉइंटर इफ एल्स लूप आपने सी में पढ़े हैं, सब कुछ आपको सी प्लस प्लस में एज इट इज मिलेगा। इसलिए मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप ने इस लैंग्वेज के नाम में सी शामिल कर रखा था। वो दुनिया को ये कन्वे करना चाहते थे कि जो उन्होंने लैंग्वेज बनाई है वो एक नई लैंग्वेज नहीं है, वो बस सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। यू मान लीजिए सी लैंग्वेज में एक नया चैप्टर ऐड हो गया है, और उस नए चैप्टर का नाम क्या है, जल्दी बोलिए, उस नए चैप्टर का नाम क्या है, उस नए चैप्टर का नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ये इनकी इच्छा थी कि दुनिया सी डबल प्लस लैंग्वेज को ऐसे देखे। इन्होंने सी डबल प्लस नाम नहीं रखा था, बट आप शायद ना जानते हो कि किसी भी लैंग्वेज का नाम एक कमिटी डिसाइड करती है। जानते हैं आप ये बात, किसी भी लैंग्वेज का नाम एक कमिटी डिसाइड करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो जावा का नाम कभी जावा नहीं पड़ता, क्योंकि जिस बंदे ने जावा डिजाइन की है उनकी तो इच्छा थी जावा का नाम ओक रखा जाता, OAK ओक, उनको ओक नाम पसंद था, लेकिन बाद में कमिटी ने नाम चेंज करके जावा कर दिया। ऐसे मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप तो चाहते थे कि लैंग्वेज का नाम सी विद क्लासेस रखा जाए, लेकिन जो स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी थी सी प्लस प्लस की, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और उन्होंने कहा सी विद क्लासेस नाम बड़ा लेंदी है,
बोलने में सुनने में बहुत अजीब लगता है, बहुत ऑकवर्ड लगता है, तो नाम को थोड़ा सा कट शॉर्ट करा जाए। तो काफी डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि अगर ये लैंग्वेज उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जिनको सी प्रोग्रामिंग आती है, तो एक कंफर्म बात है ना कि सी प्रोग्रामिंग पढ़ते वक्त प्लस प्लस ऑपरेटर जरूर पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, हाँ के ना पढ़ा है? तो बताइए मुझे आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, जवाब दें। सी प्रोग्रामिंग में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई प्लस प्लस? आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। इसका सिंपल सा मतलब होता है आई की करंट वैल्यू को एक से बढ़ा दो, यही मतलब होता है ना? तो मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप ने ये सोचा कि मेरी लैंग्वेज भी तो सी लैंग्वेज से एक कदम आगे की लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज के अंदर भी तो मैं सी लैंग्वेज से आगे के टॉपिक्स ऐड कर रहा हूं। बस इस बात से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम सी डबल प्लस रखा। यानी ओरिजिनल नाम इस लैंग्वेज का था सी विद क्लासेस। बताइए कौन से साल में, बताइए कौन से साल में यह नाम था? 79 में। उसके बाद नाम चेंज होते होते, रजिस्ट्रेशन होते होते, लोगों को समझाते समझाते साल बदल गया, 1979 से चेंज होते होते 1983 आ गया, और 1983 में ये नए नाम के साथ लॉन्च हुई और इसका नाम पड़ा C++। यानी लैंग्वेज बन तो चुकी थी 79 में, लेकिन C++ के नाम से लैंग्वेज पॉपुलर 1983 के अंदर हुई। आई बात समझ में? सर दैट्स व्हाट आई मीन बाय ऊप्स, क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट कम्स इन 83 इन C++। नहीं मोहित, क्लास एंड ऑब्जेक्ट वर प्रेजेंट इन 79 आल्सो, द नेम C++ वाज लॉन्च्ड इन 83। गॉट इट? 79 में ये जो सी विद क्लासेस था इसमें भी तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट टॉपिक रहा है, वरना इसका नाम सी विद क्लासेस क्यों रखा जाता? सोचो मोहित, इस लैंग्वेज में भी सी विद क्लासेस में क्लास और ऑब्जेक्ट टॉपिक था, सिर्फ नाम बदलकर C++ करा गया, फंक्शनैलिटी या फीचर्स में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जो लैंग्वेज 4 साल पहले थी वही लैंग्वेज 4 साल बाद भी थी, बस उसको एक नए नाम से लोगों के सामने रखा गया और वो नया नाम रखा गया C++। क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं? इतना क्लियर है? चलो अब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूं, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूं। अगर ऐसा ही है तो फिर लैंग्वेज का नाम प्लस प्लस सी क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि हमने तो पढ़ा है आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई, दोनों का ही मतलब आई प्लस वन होता है ना, क्या कहते हैं? अगर ऐसा है तो लैंग्वेज को प्लस प्लस सी के नाम से क्यों नहीं बुलाया गया, सी प्लस प्लस के नाम से ही क्यों बुलाया गया? उसका सिंपल सा आंसर है, बिल्कुल सही शैला, उसका सिंपल सा आंसर है क्रोनोलॉजी। हाँ बिल्कुल, वो काम नाम ईयर को देखकर दिया गया है। अगर सी डबल प्लस का नाम प्लस प्लस सी दे दिया जाता तो आप मानते हैं दुनिया कंफ्यूज हो जाती? आप मानते हैं दुनिया कंफ्यूज हो जाती अगर इसका नाम प्लस प्लस सी रखा जाता? तो लोग ये समझ नहीं पाते कि सी के बाद आई है कि सी के पहले आई है, क्योंकि आप याद करिए प्लस प्लस को अगर वेरिएबल के पहले लगा दें तो प्री इंक्रीमेंट कहलाता है ना, प्लस प्लस आई में प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट कहलाएगा ना, और आई प्लस प्लस में प्लस प्लस क्या कहलाएगा, आई प्लस प्लस में प्लस प्लस क्या कहलाएगा, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो सी डबल प्लस सी के बाद लॉन्च हुई है, यस और नो? सी डबल प्लस सी के बाद लॉन्च हुई है, यस, क्योंकि ये सी के बाद लॉन्च हुई है, ऑब्वियस ही बात है इसका ईयर सी के बाद आया है, तो नाम में भी प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है। दैट इज वाई पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर वॉज सेलेक्टेड रादर देन प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया, सी डबल प्लस का नाम सी डबल प्लस कैसे पढ़ा? सो इसके पॉइंट्स में लिख देता हूं शॉर्ट में ताकि आपको याद रहे। इसका आंसर ये है, ओरिजिनली पॉइंट नंबर वन, ओरिजिनली द लैंग्वेज वॉज कॉल्ड एज सी विद क्लासेस, ये लैंग्वेज का ओरिजिनल नाम था, बट लेटर ऑन द कमिटी चेंज्ड इट टू C++। अब जस्टिफिकेशन देते हैं, द नेम C++ इंडिकेट्स दैट ऑल द टॉपिक्स
or features which were present in C are also present in C++, but we also get something extra, which is concepts of object oriented programming. That is why the name C++. तो अगर इसको ब्रांच वाइज समझे अपन तो C++ में C मतलब ऑल टॉपिक्स ऑफ C, ठीक। और ये प्लस प्लस क्या बताता है? ये बताता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बताइए जस्टिफाई कर पाएंगे आप कहीं पे भी आप इस नाम को? व्हाई सी प्लस प्लस इज कॉल्ड सी प्लस प्लस? बिकॉज इन दिस सी इज एज इट इज प्लस वी गेट समथिंग एक्स्ट्रा एंड दैट एक्स्ट्रा इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चले आगे। चलो अब अगला पॉइंट सुनिए ध्यान से। अब एक और सरप्राइजिंग बात, ये आपने किसी भी लैंग्वेज में नहीं सुना होगा, बट आपको सी डबल प्लस में बात बहुत अच्छे से पहले ही दिन समझनी पड़ेगी, और वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सी प्लस प्लस आर अवेलेबल इन द मार्केट। आज मार्केट में सी डबल प्लस के कितने फॉर्म्स अवेलेबल हैं? क्वेश्चन ही आपको बहुत अजीब सा लगेगा। उसका रीजन ये है कि आप जब इंटरव्यू फेस करेंगे तो आपसे कई कंपनीज पूछेंगी कि आपने कौन सी वाली सी प्लस प्लस पढ़ी है। अभी बात बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करती है, कौन सी वाली सी प्लस प्लस का मतलब क्या है? सी प्लस प्लस तो सी प्लस प्लस है, एक ही होगी, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में सी डबल प्लस के मार्केट में दो वर्जन अवेलेबल है। एक वो वर्जन अवेलेबल है जो मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप ने 1983 में बनाया था। आज से उसका नया नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं, और पूरे कोर्स के दौरान हम इसी नाम का यूज करेंगे आपस में बात करते वक्त। क्या नाम है उस सी प्लस प्लस का जो मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप ने बनाई थी? उस सी प्लस प्लस का नाम रखा गया है क्लासिक सी डबल प्लस, राइट? क्लासिक सी डबल प्लस, ठीक है। और इसे सपोर्ट कौन करता है? इसे सपोर्ट आज की तारीख में दुनिया का सिर्फ एक कंपाइलर करता है। कौन सा कंपाइलर? टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो कंपाइलर जानते हैं, है ना? ये एकमात्र कंपाइलर है जो आज भी सी डबल प्लस के 20-30 साल पुराने वर्जन को सपोर्ट कर रहा है, विच इज क्लासिक सी डबल प्लस, राइट? ये वही सी प्लस प्लस है विच वॉज लॉन्च्ड इन 1983। ये उतना पुराना कंपाइलर और ये उतनी पुरानी सी प्लस प्लस है, याद रखिएगा। लेकिन जैसे जैसे आईटी इंडस्ट्री में चेंजेस हुए, जैसे जैसे हार्डवेयर में चेंजेस हुए, नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आती गई, नई नई लैंग्वेजेस पॉपुलर होती गई, तो सी डबल प्लस ने भी अपने आप को मॉडिफाई करा, सी डबल प्लस ने भी अपने आप को चेंज करा, ट्रेंड के हिसाब से, एरा के हिसाब से अपने आप को बदला। और जब सी डबल प्लस ने अपने आप को चेंज करा तो सी डबल प्लस का नया वर्जन मार्केट में आया। क्या नाम है उस नए वर्जन का? उस नए वर्जन को हम बुलाते हैं मॉडर्न सी प्लस प्लस। कब से ये चेंज आना स्टार्ट हुआ? ये चेंज आना स्टार्ट हुआ 2011 से, और उसके बाद हर 3 साल में सी डबल प्लस का नया वर्जन लॉन्च हुआ। तो गेस करिए कितने वर्जन लॉन्च चुके होंगे अभी तक? हर 3 साल में एक नया वर्जन लॉन्च हुआ। गेस करिए कितने वर्जन लॉन्च हो चुके होंगे? तो पहला लॉन्च हुआ सी प्लस प्लस 11 के नाम से, दूसरा लॉन्च हुआ सी प्लस प्लस 14 के नाम से, तीसरा लॉन्च हुआ सी डबल प्लस 17 के नाम से, और कोरोना के टाइम पे भी लॉन्च हुआ है। क्या कहते हैं, कोरोना के टाइम पे भी सी प्लस प्लस में चेंज आया है? बिल्कुल, 2020 में भी सी डबल प्लस का नया वर्जन आया है, उसका नाम है सी प्लस प्लस 20। अगला कब आने वाला है? अगला कब आने वाला है? 2023 में आने वाला है, राइट?
तो ये जितने भी सी प्लस आप देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी कहलाती हैं मॉडर्न सी डबल प्लस, ठीक है। और इसे कौन सपोर्ट करते हैं? इसे सपोर्ट करते हैं सारे नए कंपाइलर्स, सपोर्टेड बाय ऑल न्यू कंपाइलर्स। कौन नहीं करता है इसको सपोर्ट? कौन नहीं करता है इसको सपोर्ट? टर्बो नहीं करता है। तो जो आप इस पर्टिकुलर सी डबल प्लस में चीजें पढ़ेंगे वो आप टर्बो में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो इट इज सपोर्टेड बाय ऑल न्यू कंपाइलर्स एक्सेप्ट टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर, राइट। अगर आपको लग रहा है सर ये न्यू कंपाइलर और ओल्ड कंपाइलर्स क्या होते हैं, तो वो भी सुन लीजिए। न्यू कंपाइलर या ओल्ड कंपाइलर नाम दिए गए उन कंपाइलर्स को जो सपोर्ट करते हैं क्लासिक और मॉडर्न सी डबल प्लस को। तो ओल्ड कंपाइलर्स वो हैं विच सपोर्ट ओनली क्लासिक सी डबल प्लस, राइट। और इसमें जैसा मैंने कहा एक ही एग्जांपल है, कौन है वो एग्जांपल? टर्बो सी प्लस प्लस। और नए कंपाइलर्स में कौन है? नए कंपाइलर्स वो हैं जो सपोर्ट करते हैं सिर्फ मॉडर्न सी डबल प्लस। और इसमें कौन है नाम दे सकते हैं आप मुझे? क्या इसमें जो कंपाइलर्स आते हैं उनके नाम दे सकते हैं? जीसीसी एक कंपाइलर हुआ, और बोलिए जीसीसी और जीएनयू कंपाइलर नहीं है, जीसीसी कंपाइलर है और सीलैंग ये कंपाइलर है, राइट। और मिंग डब्ल्यू ये कंपाइलर है और एलएलवीएन ये कंपाइलर है और माइक्रोसॉफ्ट सी ये कंपाइलर है। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं ये मार्केट के लेटेस्ट कंपाइलर्स हैं। और ये सारे कंपाइलर किसे सपोर्ट करते हैं? जल्दी बोलिए, ये किसे सपोर्ट करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं मॉडर्न सी डबल प्लस को, राइट। फिर एक डाउट आता है, फिर कोड ब्लॉक्स क्या है? कोड ब्लॉक्स आईडीई है, याद रखिएगा। कोड ब्लॉक्स कंपाइलर नहीं है, कोड ब्लॉक्स आईडीई का नाम है। तो हम लोग मॉडर्न सी डबल प्लस कोड ब्लॉक्स में पढ़ेंगे? यस, हम लोग मॉडर्न सी डबल प्लस कोड ब्लॉक्स में पढ़ेंगे। और टर्बो सी डबल प्लस में हम पढ़ेंगे क्लासिक सी डबल प्लस। तो हम मॉडर्न सी डबल प्लस कब से स्टार्ट करेंगे? डिस्ट्रक्टर चैप्टर के बाद से। अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, डिस्ट्रक्टर चैप्टर के बाद से। मोहित बताऊंगा मैं धीरे धीरे आपको आगे। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए मोहित, सी डबल प्लस 20 को अभी सारे कंपाइलर सपोर्ट नहीं करते हैं। अभी सारे कंपाइलर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी 100% सपोर्ट सी डबल प्लस 17 का आया है। सी डबल प्लस 20 को सारे कंपाइलर्स ने सपोर्ट करना स्टार्ट नहीं करा है। गॉट इट मोहित? राइट। तो जो सी डबल प्लस की कमिटी है वो अपनी तरफ से वर्जन निकाल देती है, लेकिन उन वर्जन्स को सपोर्ट करने के लिए कंपाइलर्स को टाइम लगता है। जैसे आप अगर लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं तो सी डबल प्लस का 3 साल बाद वाला वर्जन भी आज ही तैयार हो रहा है ना, सी डबल प्लस 23। सी डबल प्लस 23 की तैयारी इसी साल से शुरू हो गई है, लेकिन कंपाइलर्स अभी सी डबल प्लस 20 को भी पूरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो सी डबल प्लस 23 को सपोर्ट करना तो बहुत बात की बात है। अभी इस वक्त जो आपको 100% सपोर्ट मिल रहा है वो किसका मिल रहा है? इस समय जो आपको 100% सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है सी डबल प्लस 17 का। तो हम लोग इनमें से जो भी कंपाइलर यूज करेंगे वो सी डबल प्लस 17 को सपोर्ट करने वाला कंपाइलर होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। और हम लोग कौन सा यूज करेंगे मैं वो भी आपको क्लियर कर दूं। व्हाट वी विल यूज इन दिस कोर्स, लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर। इस कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि हम इस कोर्स का जो शुरुआती वाला पार्ट है, इनिशियल पार्ट जो है, वो क्लासिक सी डबल प्लस पे लेंगे। और कंपाइलर कौन सा यूज होगा? कंपाइलर यूज होगा टर्बो। कौन से टॉपिक तक? टॉपिक का नाम भी अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, डिस्ट्रक्टर। ये एक टॉपिक होता है, यहां तक हम टर्बो पे रहेंगे। इसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे मॉडर्न सी प्लस प्लस पे। कब से शिफ्ट होंगे? आफ्टर डिस्ट्रक्टर शिफ्ट होंगे, ठीक है। कंपाइलर कौन सा यूज करेंगे जल्दी बोलिए?
कंपाइलर कौन सा यूज करेंगे हम लोग? कंपाइलर हम लोग यूज करेंगे मिंग डब्ल्यू, नहीं जीसीसी यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे मिंग डब्ल्यू। आपको लगेगा सर ये क्या है, ये जीसीसी नहीं है क्या? ये बिल्कुल जीसीसी है, ये जीसीसी फॉर विंडोज है। क्या फुल फॉर्म है मिंग डब्ल्यू का? मिंग डब्ल्यू का फुल फॉर्म है मिनिमलिस्टिक जीसीसी फॉर विंडोज, ये इस कंपाइलर का फुल फॉर्म है। ठीक, क्या खास बात है? इट इज स्पेशली क्रिएटेड फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज स्पेशली क्रिएटेड फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब लिनक्स में भी ये यूज होगा? क्या कहते हैं? नहीं, लिनक्स में जीसीसी यूज होगा, ये विंडोज के लिए। तो मुझे लगता है आप में से सभी के पास, मैक्सिमम के पास विंडोज होगी, है ना? तो जिनके पास विंडोज है वो मिंग डब्ल्यू यूज करेंगे। अगर आपको लग रहा है सर मेरे पास तो मैक है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के पास मैक है, कोई टेंशन नहीं है, आपके पास एक्सकोड आईडी होगा और आपका एक्सकोड आईडी इंटरनली जीसीसी और एलएलवीएम को यूज करता है, तो आपके लिए भी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। ठीक है, हम आईडी कौन सा यूज करेंगे? हम आईडी यूज करेंगे कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स का कौन सा वर्जन? कोड ब्लॉक्स का 20.0 ये यूज करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कंपनी इंटरव्यूज में कौन सा वर्जन पढ़ा, कौन सा आईडी यूज करा, कौन सा कंपाइलर यूज करा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग में, कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं? सी डबल प्लस का कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं? 17। याद रखिएगा 20 क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि 20 को अभी सारे कंपाइलर्स ने 100% सपोर्ट नहीं दिया है। कौन सा आईडी यूज कर रहे हैं? कोड ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं। कौन सा वर्जन कोड ब्लॉक्स का? 20.0 वर्जन यूज कर रहे हैं। और कंपाइलर कौन सा यूज कर रहे हैं? कंपाइलर यूज कर रहे हैं मिंग डब्ल्यू। रहेगा याद, इतनी सारी टेक्निकल बातें याद रहेंगी। तो ये हमारा टूल्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सी प्लस प्लस पढ़ने के दौरान। ठीक है, अब आइए एक और इंपॉर्टेंट बात पे, मॉडर्न और क्लासिक सी डबल प्लस में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक, तो हैं तो बहुत सारे, बट मैं आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बता रहा हूं बिटवीन मॉडर्न एंड क्लासिक सी डबल प्लस, जिसमें आप कोड को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये क्लासिक सी डबल प्लस का कोड है या ये मॉडर्न सी डबल प्लस का कोड है। ठीक है, दो बेहद इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। तो सिर्फ दो ही डिफरेंस हैं कि और भी हैं? क्या कहते हैं, सिर्फ दो ही डिफरेंसेस हैं कि और भी हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन दो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। समझ आ रहा है? स्टार्ट करें। चलिए, पहला डिफरेंस, जो क्लासिक सी डबल प्लस है, याद रखिएगा वो अभी भी सपोर्ट करती है डॉट एच एक्सटेंशन हेडर फाइल्स के अंदर। ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये। सी डबल प्लस की जो हेडर फाइल्स हैं क्लासिक सी डबल प्लस में, उनमें अभी भी डॉट एच लगता है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत सी डबल प्लस पढ़ा हो तो आपको पता है सी डबल प्लस की हेडर फाइल का नाम iostream.h होता है। Have you heard this name? iostream.h नाम सुना है आपने? क्लासिक सी डबल प्लस में iostream.h है, लेकिन जो मॉडर्न सी डबल प्लस है उसमें आप देखेंगे हेडर फाइल के नाम में से डॉट एच हटा दिया गया है। मॉडर्न सी डबल प्लस में हेडर फाइल के नाम में से डॉट एच हटा दिया गया है, रिमूव्ड डॉट एच फ्रॉम सी प्लस प्लस हेडर फाइल नेम्स। सी प्लस प्लस की जो हेडर फाइल्स हैं उनके नामों में से डॉट एच हटा दिया गया है। तो अब यहां नाम क्या हो गया हेडर फाइल का, जवाब दीजिए जरा। यास, हेडर फाइल का नाम हो गया है आईओ स्ट्रीम, सिर्फ आईओ स्ट्रीम, कोई डॉट एच नाम नहीं है। आ रहा है समझ? इसका मतलब जो क्लासिक सी डबल प्लस का प्रोग्रामर है वो हैश इंक्लूड कैसे लिखेगा, जल्दी बताओ। जो क्लासिक सी डबल प्लस का प्रोग्रामर है वो हैश इंक्लूड ऐसे लिखेगा, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच।
और आपने अगर ये वाला हैश इंक्लूड मॉडर्न सी डबल प्लस में लिखा तो आप मानते हैं एरर आ जाएगी, आप मानते हैं एरर आ जाएगी अगर आपने ये वाला हैश इंक्लूड मॉडर्न सी प्लस प्लस में लिखने की कोशिश करी तो कंपाइलर दे देगा एरर। तो मॉडर्न सी डबल प्लस में कैसे लिखेंगे, लिखिए जरा चैट विंडो में अपना अपना आंसर। मॉडर्न सी डबल प्लस में आयो स्ट्रीम कैसे लिखेंगे, जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। वेरी गुड, मॉडर्न सी डबल प्लस में लिखेंगे हैश इंक्लूड सिर्फ आयो स्ट्रीम, तो टर्बो में चलेगा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये बताइए, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, दोनों का सिंटेक्स बिल्कुल अलग अलग है। अगर टर्बो में आपने लिखा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम तो कोड कंपाइल भी नहीं होगा, याद रखिएगा। क्लासिक सी डबल प्लस में अगर आपने लिखा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम तो कोड कंपाइल भी नहीं होगा। वैसे ही मॉडर्न सी डबल प्लस में डॉटेड चलेगा, मॉडर्न सी डबल प्लस में डॉटेड चलेगा, नहीं चलेगा, इसमें से डॉटेज हटा दिया जाएगा, अगर लगा देंगे तो एरर आ जाएगी, रहेगा याद। दूसरी जरूरी बात ध्यान से सुनिए, मॉडर्न सी डबल प्लस एक और नया कॉन्सेप्ट खूब यूज करती है। अगर आपने थोड़ा बहुत सी डबल प्लस के प्रोग्राम्स को देखा हो तो आपने एक वर्ड देखा होगा, इस वर्ड का नाम है नेम स्पेस। ये देखा है आपने वर्ड सी डबल प्लस के प्रोग्राम से कहीं पे भी लिखा हुआ है ना, ये अगर लिखा हुआ है तो ये मॉडर्न सी डबल प्लस का प्रोग्राम है, रिमेम्बर दिस। और जो क्लासिक सी डबल प्लस है उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है नेम स्पेस का, नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेम स्पेस इज देयर। आर यू गेटिंग दिस, मॉडर्न सी डबल प्लस में देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेम स्पेस, सॉरी क्लासिक सी डबल प्लस में देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेम स्पेस, वाइल इन मॉडर्न सी प्लस प्लस name spaces are extensively used. Is this clear to everyone? तो हम लोग शुरुआत क्लासिक सी डबल प्लस से करेंगे और जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस होते हुए डिस्ट्रक्टर तक पहुंचेगा फिर हम ट्रैक बदल लेंगे, टर्बो सी प्लस प्लस को गुड बाय कर देंगे और पूरा पूरा शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स मॉडर्न सी डबल प्लस कोड ब्लॉक्स आईडी एंड मिंग डब्ल्यू कंपाइलर। क्लियर हो गया, ट्रैक क्लियर हो गया सबको, किस ऑर्डर में बढ़ेगा कोर्स आगे, आगे बढ़ू राइट। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, कंपैरिजन बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस। ये तो सारी बातें आपने पढ़ ली रिगार्डिंग वर्जन्स, अब आते हैं असली डिस्कशन पे, हाउ सी प्लस प्लस एंड सी आर डिफरेंट देन ईच अदर। तो अब मैं आपसे सी लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे सी लैंग्वेज में जवाब देना, मैं आपको सी प्लस प्लस में जवाब दूंगा। मुझे सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इन सी लैंग्वेज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेडर फाइल stdio.h। जल्दी बोलिए, सी लैंग्वेज में ये stdio.h हेडर फाइल की क्या अहमियत होती है, क्यों यूज होती है हेडर फाइल। सबसे पहली बात, stdio stands for स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ऐसे ही होता है सी लैंग्वेज में, stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड इट प्रोवाइड्स अस, क्या देती है ये, सपोर्ट फॉर, एंड इट प्रोवाइड्स अस सपोर्ट फॉर परफॉर्मिंग आयो ऑपरेशंस, आयो ऑपरेशंस थ्रू आवर प्रोग्राम, ठीक है। और ये आयो ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त आप क्या यूज करते हैं, जल्दी बोलिए, आप क्या यूज करते हैं, दो फंक्शन यूज करते हैं, एक का नाम होता है प्रिंट एफ, एक का नाम होता है स्कैन एफ। वेरी गुड, प्रिंट एफ स्कैन एफ का stdio.h में क्या होता है, प्रिंट एफ स्कैन एफ का stdio.h में क्या होता है, बहुत बढ़िया, डिक्लेरेशन होता है। सो दिस सपोर्ट इज गिवन बाय टू फंक्शंस कॉल्ड प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ, हूज डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का दूसरा नाम बताइए,
डिक्लेरेशन का दूसरा नाम बताइए, प्रोटोटाइप। ये सब फंक्शन से कनेक्टेड वर्ड्स हैं, इसलिए मैंने कहा था फंक्शन सबसे ज्यादा यूज होगा। सो हुज डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप इज गिवन इन द हेडर फाइल stdio.h। ठीक है, तो ये है stdio.h की इंपॉर्टेंस। अब आ जाइए C++ में। याद रखिएगा हम यूज करते हैं iostream.h, .h के साथ के .h के बिना, जल्दी बोलिए, .h के साथ के .h के बिना, वो डिपेंड करता है कंपाइलर कौन सा है। दोनों बातें होंगी ना चंद्रकांत, वो डिपेंड करता है कंपाइलर कौन सा है ना। अगर हम कंपाइलर क्लासिक यूज कर रहे हैं, टर्बो यूज कर रहे हैं, तो .h के साथ। अगर मॉडर्न यूज कर रहे हैं तो .h के बिना। हाँ, अभी के लिए .h के साथ, क्योंकि अभी हम लोग क्लासिक C++ पे बात कर रहे हैं। तो नंबर वन, यूजेस iostream इंस्टेड ऑफ stdio.h। और iostream का फुल फॉर्म आप इजीली गेस कर सकते हैं, iostream का फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, दैट इज अ फुल फॉर्म। और इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल की तरफ से जो हमें मिलता है वो मिलते हैं चार प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, एज इट प्रोवाइड्स अस फोर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एज, शायद आपने नाम सुने होंगे, सी आउट, सी इन, सी आर आर एंड सी एल ओ जी। अधिकतर लोगों को दो ही नाम पता होते हैं, एक सी आउट और एक सी इन, जबकि इंटरव्यू में याद रखिएगा दो की जगह चार नाम आपसे पूछे जाते हैं। कौन है वो चार नाम? सी आउट, सी इन, सी आर आर एंड सी एल ओ जी। ये चार नाम आपको याद रखने हैं। कौन है ये चारों? ये चारों कहलाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अभी बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि सर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो क्या डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल होते हैं डिफरेंट। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये आपको पता 3 दिन बाद चलेगा, जब आप अपना पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम डेवलप करना सीखेंगे। तब तक के लिए बस इतना याद रखिए, सी आउट, सी इन, सी आर आर और सी एल ओ जी फंक्शंस नहीं है, दे आर ऑब्जेक्ट। सबसे बड़ी गलती जो बिगनर्स करते हुए मैंने देखा है बिगनर्स को, वो यही सोचते हैं कि प्रिंट एफ स्कैन एफ की तरह ये चारों भी फंक्शन है। ये फंक्शन नहीं है, और आप जब इनका सिंटेक्स देखेंगे तो आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी। फंक्शन की पहचान होती है कुछ, बता रहा हूं निधि, बता रहा हूं स्ट्रीम क्या है। सबसे पहले बताइए फंक्शन की कुछ पहचान होती है? यस, फंक्शन की पहचान होती है पैरेंथेसिस। और आप देखेंगे सी आउट, सीन, इन सब के साथ कोई पैरेंथेसिस नहीं लगा होगा, राइट? क्योंकि पैरेंथेसिस नहीं है, दे आर नॉट एट ऑल कॉल्ड एज फंक्शन। अब निधि का डाउट है स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, तो गौर से सुनिए स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो ऑफ डेटा, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रीम। आपने कई बार इंग्लिश में रिवर स्ट्रीम वर्ड सुना होगा। रिवर स्ट्रीम का मतलब पानी का बहाव, रिवर स्ट्रीम का मतलब होता है पानी का बहाव। प्रोग्रामिंग में स्ट्रीम का मतलब होता है डेटा का फ्लो। अब अगर डेटा का फ्लो आपके प्रोग्राम से बाहर की तरफ जा रहा है तो वो कहलाता है आउटपुट स्ट्रीम, और अगर डेटा का फ्लो बाहर से आपके प्रोग्राम की तरफ आ रहा है तो वो कहलाता है इनपुट स्ट्रीम। तो C++ की नजर से अगर देखें तो कीबोर्ड क्या हुआ, C++ की नजर से अगर देखें तो कीबोर्ड क्या हुआ, वो इनपुट स्ट्रीम देने वाला डिवाइस है, और मॉनिटर आउटपुट स्ट्रीम को सपोर्ट करने वाला डिवाइस है। तो स्ट्रीम का मतलब होता है डेटा का फ्लो। डेटा का फ्लो आपके प्रोग्राम से बाहर की तरफ जाए तो हम बोलते हैं ये आउटपुट स्ट्रीम है, डेटा का फ्लो आपके प्रोग्राम की तरफ आए तो हम बोलते हैं ये इनपुट स्ट्रीम है। आ रही है बात समझ? ठीक है, अब इनमें जो सबसे पॉपुलर है, दिख तो आपको चार रहे बट इनमें जो सबसे पॉपुलर है, अमंग्स देम द टू वेरी पॉपुलर ऑब्जेक्ट्स आर सी आउट एंड सी इन। किस किस के लिए यूज होते हैं दोनों? ये दोनों यूज होते हैं यूज्ड फॉर कंसोल आउटपुट एंड कंसोल इनपुट
रेस्पेक्टिवली, ये इनका पर्पज है। इसका मतलब प्रिंट एफ की जगह सी आउट ने ले ली है, क्या कहते हैं, प्रिंट एफ की जगह सी आउट ने ले ली है, जी हाँ, और स्कैन एफ की जगह सी इन ले ले ली है। अच्छा एक और बड़ा सा डाउट, क्या हम प्रिंट एफ स्कैन एफ सी डबल प्लस में यूज नहीं कर सकते, क्या हम प्रिंट एफ स्कैन एफ सी डबल प्लस में यूज नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं, 101% कर सकते हैं। कौन सी सी डबल प्लस में, क्लासिक में के मॉडर्न में, दोनों में, दोनों सी डबल प्लस, दोनों में, दोनों सी डबल प्लस अलाउ करती हैं कि आप प्रिंट एफ स्कैन एफ यूज करें, लेकिन लोग करते नहीं है। कारण सिंपल सा है, प्रिंट एफ स्कैन एफ का सिंटेक्स सी आउट सीन के कंपैरिजन में ज्यादा टिपिकल है, वो आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा मैं। अभी अपन अगले पॉइंट पे आ रहे हैं, तब तक के लिए याद रखो प्रिंट एफ स्कैन एफ सी डबल प्लस में अलाउड है यूज करना, बस उसके लिए आपको STDIO को यूज करना पड़ेगा, लेकिन कोई डेवलपर ऐसा करना पसंद नहीं करता क्योंकि प्रिंट एफ स्कैन एफ सिंटैक्टिकली सी आउट सीन से ज्यादा टिपिकल होते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ, चेंज करें, चलो अब बात करते हैं सिंटेक्सिस की। तो आपको पता चलेगा सी आउट सीन को इतना ज्यादा प्रेफर क्यों करा जाता है कंपेयर्ड विद प्रिंट एफ स्कैन एफ। बाकी दो का काम राहुल आगे समझ में आएगा, मैं फुल फॉर्म बता देता हूं आपको। सी आउट, क्या फुल फॉर्म बताया मैंने, सुना आपने, सी आउट का फुल फॉर्म है कंसोल आउटपुट, सी इन का फुल फॉर्म क्या था, कंसोल इनपुट, CERR इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है कंसोल एरर, और CLOG का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है कंसोल लॉगिंग। ठीक है, ये आपसे मैं आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा क्या होता है ये कंसोल एरर, क्या होता है कंसोल लॉगिंग। यस निधि, कंसोल का मतलब है जहां आउटपुट आता है, जो ब्लैक कलर की विंडो होती है ना जिसपे आउटपुट दिखता है, देखिए विंडो आपने सी में प्रोग्राम रन करते हैं तो आउटपुट ब्लैक कलर की विंडो पे ही आता है ना, यस और नो, वही ब्लैक कलर वाली विंडो जहां प्रोग्राम का आपको आउटपुट दिखता है उसी को यहां कंसोल बोल रहे हैं। सी लैंग्वेज में भी आप उसको कंसोल बोलते हैं, हर जगह आप उसको कंसोल ही बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे, चलिए अब आ जाइए सिंटेक्सिस पे। तो आप मेरे को सी के सिंटेक्स बताएंगे, मैं फिर आपको सी डबल प्लस के बताता हूं। तो पॉइंट नंबर 3, सी लैंग्वेज में मुझे बताइए, हमें अगर स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करना है तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, हाउ विल यू प्रिंट हेलो ऑन स्क्रीन, बल्कि ऑन कंसोल बोलना चाहिए, कैसे करोगे सी में, जवाब दो, शाबाश, सी में आप लिखोगे प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर हेलो, ये सी लैंग्वेज का स्टाइल है हेलो प्रिंट करने का। अगर मैं आपसे पूछता हूं सी डबल प्लस में हेलो कैसे लिखा जाएगा, सेम क्वेश्चन आई एम आस्किंग इन सी प्लस प्लस, हाउ विल यू राइट हेलो इन सी डबल प्लस। तो ध्यान से सुनिएगा, लिखने से पहले कुछ बातें करना जरूरी है। तो सी डबल प्लस में हेलो लिखने के लिए सबसे पहले तो आप यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में सी आउट को, दूसरी बात सी आउट के बाद आप यूज करेंगे लेस देन के दो सिंबल। ठीक है, लेकिन आप गलती से भी किसी इंटरव्यू में इन्हें लेस देन नहीं बुलाएंगे, अगर आपने इनका नाम लेस देन ले लिया तो लोगों को लगेगा आपको बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती है, ऊट पटांग नाम सीख के आए आप। अगर कोई पूछता है ये क्या कहलाता है, ये जो दो लेस देन के सिंबल दिख रहे हैं, तो ये सी डबल प्लस में कहलाते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, या आप इसे बुला सकते हैं इंसर्टर। इसे सी डबल प्लस में या तो आप इंसर्शन ऑपरेटर के नाम से बुलाइए या बुलाइए इंसर्टर। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने का तरीका है आप सी आउट लिखेंगे, इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे और आप आपका टेक्स्ट लिख देंगे विच इन दिस केस इज हेलो। क्या होगा ऐसे सी आउट हेलो लिखने से, ऐसे सी आउट हेलो लिखने से ये जो हेलो है
ये कहां डिस्प्ले हो जाएगा? ये डिस्प्ले हो जाएगा आपकी कंसोल विंडो पे। अगर मैं मान लूं ये हमारी कंसोल विंडो है तो यहां पर हमें हेलो दिख जाएगा। अब इस नाम का मतलब ही समझिए, इसे इंसर्शन ऑपरेटर क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि दिमाग लगाइए, जो भी आप इस सिंबल के बाद लिख रहे हैं कंपाइलर उसे कंसोल पे इंसर्ट कर दे रहा है। इंसर्ट कर दे रहा है मतलब एड कर दे रहा है, कंसोल के अंदर डाल दे रहा है। बिकॉज आपका दिया हुआ टेक्स्ट कंसोल के अंदर एड हो जा रहा है, कंसोल में इंसर्ट हो जा रहा है। दैट इज वाई द नेम इंसर्शन ऑपरेटर। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? समझ आई बात? दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेटर। एंड वॉट इज सी आउट कॉल्ड एज? ये भी बता दीजिए। सी आउट इज अगेन कॉल्ड एज कंसोल आउटपुट। एंड टेक्निकली सी आउट क्या है? इज इट अ फंक्शन? नो, इट इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अगर फंक्शन होता तो इसके साथ पैरेंथेस आता था ना? क्या कह रहे हैं? अगर फंक्शन होता तो इसके साथ पैरेंथेस जरूर लगता, लेकिन वो पैरेंथेस तो नहीं दिख रहा है। बिकॉज सी आउट इज नॉट अ फंक्शन, सी आउट इज बेटर नोन एज ऑब्जेक्ट। और सिर्फ 3 दिन का इंतजार करिए, 3 दिन बाद पता चल जाएगा आपको फंक्शन और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी बस इतना समझ लीजिए, दोनों अलग अलग होते हैं, दे आर नॉट सेम। सो प्रिंटर स्कैनर दे आर फंक्शन, सी आउट सीन दे आर ऑब्जेक्ट। इसलिए आपने और एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने डिफरेंस में यहां पर प्रोटोटाइप वर्ड लिखा है। लिखा है? बताइए, प्रोटोटाइप वर्ड लिखा है? प्रोटोटाइप हमेशा किसकी होती है? प्रोटोटाइप हमेशा किसकी होती है? फंक्शंस की। यहां राइट साइड पे देखिए, मैंने प्रोटोटाइप वर्ड नहीं लिखा है, बिकॉज सी आउट सीन फंक्शंस नहीं है, दे आर बेटर नोन एज ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑब्जेक्ट्स डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रोटोटाइप। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। दूसरी बात, क्या सी डबल प्लस में प्रिंटएफ यूज करना चाहे तो कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे। उसके लिए एसटीडीआईओ अटैच की जाएगी? हाँ की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर मेरे को यही प्रिंटएफ यहां भी चाहिए तो कंपाइलर मना नहीं करता है। बट जैसा मैंने कहा, नो वन प्रिफर्स डूइंग दिस। लोग हमेशा सी डबल प्लस के स्टाइल में चीजें लिखना पसंद करते हैं, और सी डबल प्लस कहती है जब आप सी डबल प्लस यूज कर रहे हैं तो फिर आप प्रिंटर स्कैनएफ को ड्रॉप करके सी डबल प्लस के तरीके से स्क्रीन पे टेक्स्ट प्रिंट कराइए। हो गया क्लियर? वेरी गुड। अब आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, अगला लेक्चर और ज्यादा टेक्निकल और इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो मेक श्योर लेक्चर मिस ना हो। दिस इज पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। अगले लेक्चर में और ज्यादा डिफरेंसेस पढ़ेंगे अपन, आज तो बस शुरुआत हुई है डिफरेंसेस की। नेक्स्ट लेक्चर विल बी मोर टेक्निकल, मोर डीप डिस्कशंस विल बी डन बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस कंपैरिजन। दिस इज 7 एंड दिस इज 8। आप सब टेलीग्राम ग्रुप में हैं? आर यू ऑल प्रेजेंट इन द टेलीग्राम ग्रुप? तो वहीं पे सारे नोट्स पोस्ट होंगे। रिमेंबर दिस, ये जितने भी सी डबल प्लस से रिलेटेड नोट्स हैं ये सारे वहीं पे पोस्ट होंगे, राइट? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। क्लास के डेज पता है, डे और टाइम पता है? सुन लीजिए आपकी क्लास का शेड्यूल। द शेड्यूल इज द क्लास विल रन ऑन ट्यूजडे, थर्सडे, सैटरडे। टाइम विल बी 5 PM टू 6 PM। ओके, नेक्स्ट क्लास कब है? 17th। कितने बजे? 6 PM। रिमेंबर दिस, ठीक? तो ये आपके शेड्यूल्स हैं, बिल्कुल वही शेड्यूल है जो आप सी के लिए ले रहे थे, सब कुछ सेम है, बस लैंग्वेज बदल गई है। ठीक, मिलते हैं सैटरडे 5 PM, विल स्टार्ट डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।